दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे सुपर फूड्स सीड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपको हमेशा हेल्दी और यंग बनाए रखेंगे, शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचा कर रखेंगे। इन बीजों को खाने से आपकी रोज की दवाइयां भी कम हो सकती है। यह चारों बीज न्यूट्रिशन से भरपूर है। हाई बीपी, शुगर, ज्वाइंट पेन, एनीमिया, खून की कमी, वीकनेस, कमजोरी वालों के लिए तो वरदान है बीज। लेकिन इन बीजों का खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी इसके फायदे हमें पूरे मिल पाते हैं। अगर आप अपने शरीर को हमेशा हेल्दी और यंग बनाए रखना चाहते हैं, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो से एंड तक बने रहिए। मेरा नाम संदीप है और मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। आइए जानते हैं एक एक करके इन सुपर फूड्स सीड्स के बारे में और आगे जानेंगे इन बीजों का सेवन कैसे करना है। तो सबसे पहला सीड्स है, वह है चिया सीड्स। चिया सीड्स एक सुपर फूड है। ये विटामिन मिनरल्स का खजाना है। चिया सीड्स फाइबर का रिच सोर्स है, साथ ही इनमें प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आयरन होते हैं, जिसकी कमी अक्सर हमारी बॉडी में हो ही जाती है। चिया सीड्स में फाइबर होने की वजह से यह डाइजेशन को बेहतर करता है, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए चिया सीड्स का प्रयोग बहुत फायदेमंद होगा। यह बार बार भूख लगने की समस्या को शांत करता है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, जिससे फैट बर्न होता है। चिया सीड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, साथ ही यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है। चिया सीड्स में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जो दांतों को, हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से आराम दिलाता है। बॉडी को अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में अकड़न जकड़न की समस्या नहीं होती है। चिया सीड्स रेगुलर खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हो। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे आयु लंबी होती है, हार्ट हेल्दी रहता है, स्किन हेल्दी होता है, लंबे समय तक हम जवान देखते हैं। इसके अलावा अगला बीज है दोस्तों, अलसी के बीज। अलसी का प्रयोग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कई बार आप सुबह उठते हैं और अपने आप को थका थका सा महसूस करते हैं। दरअसल ये आपके शरीर में एनर्जी की कमी की वजह से हो सकता है, जिसमें कि अलसी खाना आपके लिए फायदेमंद होगा। अलसी में भरपूर न्यूट्रिशन होता है। आप भुने हुए अलसी पाउडर को सुबह गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इस तरह से ये आपकी एनर्जी बूस्ट करने में मदद करेगा। अलसी में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर आपको बहुत से रोगों से बचा कर रखता है। अलसी में मौजूद डाइट्री फाइबर, लिग्निन और ओमेगा 3 फैटी एसिड गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह आंतों में सूजन को कम करने, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और पेट से रिलेटेड कई रोग जैसे कब्ज, अपच, गैस आदि से बचाव में भी मदद करते हैं। अगर आप अपने बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो सुबह सुबह अलसी के बीजों को खाना शुरू कर दीजिए। ये आपके हेयर्स को हेल्दी करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें बालों के लिए जरूरी विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी के रिच सोर्स होते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं, जो बालों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज हमारे स्किन के टेक्सचर में सुधार करते हैं। इनमें मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट मुहासों, त्वचा की एलर्जी, फाइन लाइंस, दाग धब्बे और झुर्रियों से बचाते हैं और आपको एक स्वस्थ दमकती त्वचा प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो अलसी के बीजों को खाना आज से ही शुरू कर दें। कैसे खाएं? इन बीजों को भून लें और हर बार खाना खाने के बाद एक चम्मच बीजों को थोड़े से मिश्री के साथ या फिर सौंफ के साथ चबा चबा कर खा लें। इससे दो फायदे होंगे। पहले तो इसका प्रोटीन आपके भूख को कम करेगा और क्रेविंग को रोकेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इसका फाइबर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा और वेट लॉस के प्रोसेस में तेजी से मदद करेगा। इस तरह ये दोनों चीज़ें मिलकर वजन कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो आपको अलसी का सेवन रोजाना करना चाहिए। रेगुलर अलसी खाने से ये LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है और आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। अलसी में डाइट्री फाइबर की अच्छी मात्रा होने की वजह से यह ब्लड शुगर में स्पाइक रोकने और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए डायबिटीज रोगियों को इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है।
घुटनों के दर्द, गठिया जैसी बीमारी को दूर करने के लिए भी अलसी कमाल का काम करता है। इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिससे गठिया की परेशानी, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगला बीज है दोस्तों पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, यह पौष्टिक चीजों से भरपूर होता है। इन बीजों में लगभग सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। यह हार्ट को हेल्दी रखता है, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके स्ट्रोक्स के खतरे को कम करने में हेल्प करता है। कद्दू के बीजों में पर्याप्त मात्रा में जिंक भी पाया जाता है, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और वायरल, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे इन्फेक्शन से सुरक्षित रखता है। कद्दू के बीज इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस करने का भी काम करते हैं, ऐसे में यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। कद्दू के बीज मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने का काम करते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है। गठिया जैसे हड्डी रोगों के लिए कद्दू के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी रोगों का कारण बन सकती है, जिसमें हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाती है। कद्दू के बीज के सेवन से दोस्तों हड्डियां हेल्दी और मजबूत होती हैं। कद्दू के बीजों में विटामिन सी भी पाया जाता है और प्रोस्टेट कैंसर के लिए विटामिन सी लाभकारी होता है, साथ ही यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा कद्दू के बीज में विटामिन बी और जिंक जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो तनाव को, स्ट्रेस को दूर करने का काम करते हैं। पंपकिन सीड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करते हैं, कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। आँखों के लिए भी कद्दू के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं, इनमें विटामिन ए होता है जो आँखों की रोशनी को तेज करता है। एनीमिया यानी खून की कमी में भी कद्दू के बीज फायदा करता है, क्योंकि इसमें आयरन और फोलेट दोनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, हर किसी को इसका सेवन करना चाहिए। अगला और आखिरी बीज है दोस्तों तिल के बीज। तिल के बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इनमें आप काली तिल खा लीजिए, सफ़ेद तिल खा लीजिए, आपके पास जो मौजूद है उसका सेवन कीजिए। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होता है, जो कि हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तिल में डाइट्री फाइबर, प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं, जो हड्डियों को हेल्थ और इसके अलावा यह मसल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तिल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, इसे रेगुलर डाइट में शामिल करने से यह स्किन को जरूरी पोषण देता है और स्किन में नमी बनाए रखता है, जिससे हमारी स्किन लंबे समय तक जवान रहती है। तिल के सेवन से डाइजेशन दुरुस्त होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। तिल में मौजूद फाइबर व मैग्नीशियम तत्व इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल बिगड़ने का खतरा भी कम होता है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके साथ ही यह तिल के बीज ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार होते हैं। तो ये चार सुपर फूड्स सीड्स हैं जिसका सेवन आपको रेगुलर करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बाउल लेना है, इसके अंदर एक चम्मच तिल के बीज, एक चम्मच पंपकिन सीड्स और एक चम्मच चिया के सीड्स, और साथ में आपको डाल देना है एक चम्मच की मात्रा में फ्लैक्स सीड्स। इन सभी बीजों को मिलाकर लगभग 25 से 30 ग्राम की मात्रा में आपको रोजाना सेवन करना है। आपको इन बीजों को रोजाना भिगोकर ही सेवन करना है। आप चाहें तो सिर्फ ठंड के मौसम में इन्हें ड्राई रोस्ट करके ले सकते हैं, लेकिन इन्हें भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। रात को इन्हें भिगो दीजिए, सुबह भीगे हुए बीजों को खा लें और इसके पानी को छानकर पी लें। ऐसा रेगुलर करके देखिएगा। आप रोजाना ना ले सको तो हफ्ते में 4 दिन जरूर लेना। इसे रेगुलर 30 से 45 दिनों तक फॉलो करके देखना। आपके शरीर में जो बीमारियां हैं ना, वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, आपकी दवाइयां कम हो जाएगी, शरीर में कमजोरी, हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या भी आपकी कम होती जाएगी, शुगर आपका कंट्रोल में आ जाएगा, हाई बीपी, दिल के रोगों में फ़ायदा मिलेगा, पूरे शरीर को दोस्तों पहले जैसा हेल्दी बना देगा। आप इन बीजों को खाने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना और वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी, कि आप इसे फॉलो करने जा रहे हो, ये भी बताते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।